सुरबे सुरबे सुरबे, अरे कहां मर गई है, सुनाई नहीं दे रहा। अरे सुदीप, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, तुम कमरे से बाहर क्यों आई हो? डॉक्टर ने तुम्हें चलने फिरने से मना किया ना। अरे मैं जानती हूँ, मगर तू तो ऑफिस से आते ही आग बगुला हो गए, मैं कितना डर गई। और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तू इतना गुस्सा कर रहा है? पहाड़ नहीं माँ, घर टूटने की नौबत आ गई है। सुरभि है कहाँ? अरे है अपने बेडरूम में। क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहा हूं? अरे क्या हुआ है, क्यों मारा इसे? इससे पूछो माँ, आज शाम को उस बाइक वाले लड़के के साथ क्या कर रही थी? और तू किससे पूछ के गई थी घर से बाहर? माँ की तबीयत खराब है और तू बाहर लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही, कोई लाज शर्म है कि नहीं? कौन था वो लड़का? वो मेरा दोस्त था। दोस्त के साथ ऐसे चिपक चिपक कर घूम रही थी, किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया होता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? आप गलत समझ रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सच में मेरा दोस्त था और वो मुझे मार्केट में मिल गया था, बस मुझे उसने क्लिनिक में ड्रॉप किया था। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं आज तक कहीं बाहर नहीं गई। आज माँ जी की दवाई खत्म हो गई थी तो इसलिए जाना पड़ा, नहीं तो इनकी तबीयत खराब हो जाती। आपको मैंने कॉल भी किया था लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। झूठ मत बोल सुरभि, झूठ मत बोल। और तेरा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता? बस कर, छोड़ दे उसे सुदीप, क्या कर रहा है तू? और वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सचमुच मेरी दवा लेने गई थी और उसने अपने दोस्त से मिल लिया तो कौन सी गलती की उसने? तुम्हारे भी तो इतने सारे दोस्त है, तुम भी तो उनके साथ ड्रिंक करते हो, कभी यहाँ कभी दोस्तों के घर पे, तो इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो तो उस लड़के की किस्मत अच्छी थी, मैं थोड़ा जल्दी में था और वो हेलमेट में था तो मैं उसको पहचान नहीं पाया। आइंदा तू मुझे अगर किसी लड़के के साथ दिखाई दी ना तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। हाँ हाँ बस करो, अभी शांत हो जा, जाके फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारा खाना निकालती हूँ। मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना, चल हट। सुरभि, देख बेटा पहले रोना बंद कर दे। देख मुझे मालूम है मेरा बेटा थोड़ा शक्की जरूर है, मगर वो दिल का बुरा नहीं है। माँ जी आप तो जानती है ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। देखना थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब तुम अपने प्यार से उसे समझा देना, वो सब समझ जाएगा, ठीक है? और पूरी तरह से रोना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। चल जाओ आराम करो। आप जाइए, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ मैं 5 मिनट में भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके। बेटा सुदीप। अरे माँ। बेटा दूध पी लो। माँ आप क्यों ले आए, मैं खुद ले लेता, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप यहाँ रख दो मैं पी लूँ। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, बहू को ज्यादा तकलीफ मत दिया करो। ठीक है माँ, मैं भी जरूरी काम कर रहा हूँ, आप जाके आराम कर लो। ठीक, लेकिन याद से दूध पी लेना। ठीक है। हाँ जी मैंने आपको मेल कर दिया, आप चेक कर लो। ठीक, गुड नाइट।
ये क्या हो रहा है आपको सुदीप? ये क्या क्या हो गया आपको सुदीप? माँ जी, सुदीप क्या हो गया? माँ जी, माँ जी क्या हो गया सुदीप? सुदीप क्या हुआ बेटा? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता बेटा, क्यों नहीं बोल रहे हो? तू 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 पहले जाके डॉक्टर को बुला ले, जा जल्दी जल्दी जा। सुदीप बेटा कुछ तो बोलो, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ तुम्हें? हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया है। जी जी, मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? आ रहे हैं वो। माता रानी क्या हुआ मेरे बच्चे को? माँ जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया इनको, दर्द कम हो जाएगा। वैसे रात को खाने में क्या दिया था आप लोगों ने इनको? इन्होंने कल रात को कुछ भी नहीं खाया। हाँ, और मैंने तो सिर्फ दूध दिया था और वो दूध पी के ही सो गया। माँ जी, सॉरी टू से इनको लकवा मार गया। क्या? इनके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स काम नहीं कर रहे। घबराइए नहीं, मैंने इंजेक्शन दिया है, बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। डॉक्टर साहब, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी हो जाएंगे। मैं चलता हूँ माँ जी, मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। जी। हरिओम 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 हरिओम। माँ जी, खाना लगा दिया, चलिए खा ली। बेटा सुदीप को खाना खिला दिया? जी माँ जी, मैंने अपने हाथों से खिला दिया है। बेटा कहीं उस दिन मैंने उसे जो दूध दिया था उसकी वजह से तो? माँ जी कैसे बातें कर रही हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये कैसे हो गया। मुझे तो लग रहा है शायद मेरे घर को किसी की नजर लग गई है, पता नहीं चल रहा आखिर हो क्या रहा है ये सब। मैंने तो अब सब कुछ माता रानी पे छोड़ दिया है, वही सब कुछ ठीक करेगी। माँ जी, माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है, मुझे पता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं काम करती हूँ, आपका खाना यही लेकर आ जाती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। डॉक्टर साहब, कोई आइडिया है मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? माँ जी, अभी कहना तो मुश्किल लग रहा है लेकिन जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, 6-7 महीने में कुछ पेशेंट ठीक होते हैं और कुछ 1 महीने में ही। माता रानी करे जल्दी ठीक हो जाए। बेटा इस वक्त तो तुम ही हमारे लिए भगवान जैसे हो। अरे क्या बात कर रही है माँ जी, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम डॉक्टर्स भी अपना 100% देते हैं लेकिन उसके बाद हम ऊपर वाले भी छोड़ देते हैं। अच्छा माँ जी, अब मैं निकलता हूँ। जी बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करना। क्या बात है, एक्टिंग में तो तुमने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया। अरे हम तो कठपुतली हैं, जैसे डायरेक्टर साहिबा बोलेंगी वैसे हम नाचते रहेंगे। अब
डायरेक्टर साहिबा का जो परफॉर्मेंस चाहिए वैसा निकाल के हम दे रहे हैं। इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो हाँ? जानेमन तुमसे ही सीखा है। लेकिन एक बात का डर लगता है यार कि डॉक्टरी का ABC पता है नहीं मुझे और मैं तुम्हारी सास को कुछ भी बोलता रहता हूँ। कहीं तुम्हारे हस्बैंड को कुछ पता चला ना तो वो हमारी जान ले लेगा। जान से मारने के लिए उसकी बॉडी में जान भी तो होनी चाहिए ना। तुम एक बार सोच के तो देखो, तुम्हारी सास को हम लोग उल्लू बना सकते हैं लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को? आज वो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, लेकिन किसी ना किसी दिन तो उसे शक होगा कि जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं वो उसको ठीक करने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए दे रहे हैं। अरे ऐसा डोज मिला के दिया ना दूध में उसके कि इस जन्म में किसी को फूंक तक नहीं मार सकता तो जान क्या लेगा। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे ही काम करते रहो, कल मिलते हैं। कल? आज ही तो चेकअप करने आया था। कल से तुम रोज आओगे, वो भी रात में। रात में? लेकिन क्यों? हाँ, उस शाम को तुम्हारा कुछ उधार मुझ पे रह गया, आके हिसाब चुकता कर लेना, यू नो ना व्हाट आई मीन। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात को। चलो बाय बाय। गुड नाइट। बाय। आजकल की भी औरतें ना बिल्कुल पागल हो गई हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपराध के एक नए एपिसोड में। दोस्तों शादीशुदा जीवन में जब किसी पति या पत्नी का ईमान डोलता है तो शादीशुदा जीवन की नींव हिल जाती है और इसका असर सिर्फ पति पत्नी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। सुरभि अपने प्रेमी प्रदीप के साथ मिलकर ऐसा ही कुछ कर रही थी। सुरभि ने प्रदीप के साथ वक्त बिताने के लिए अपने पति सुदीप को अपाहिज बनाने का फैसला ले लिया था। आइए देखते हैं सुरभि की ये चाल कामयाब होती है या नहीं। माँ जी आ जाइए, नाश्ता रेडी है। माँ जी आ जाइए। अरे बेटा वो आज डॉक्टर प्रदीप नहीं आए। माँ जी मेरी ना कल रात को उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि क्लिनिक में बहुत काम है तो आज डे में विजिट नहीं कर पाएंगे, वो रात को 9 बजे के बाद ही आएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा माँ जी मैं ना उनको भी नाश्ता करवा के आती हूँ और कपड़े भी चेंज कर दूँगी उनके। ठीक है। अच्छा सुनो तो बेटा। क्या हुआ माँ जी? बेटा मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आज माता रानी ने तुम्हें मेरी बहू बना के भेजा। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी इतनी अच्छी सास और इनके जैसा इतना अच्छा पति मिला है। आप लोगों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। जुग जुग जियो बेटा और हमेशा खुश रहो। क्या हाल है मेरे हीरो? तूने मेरा घर से बाहर निकलने में पाबंदी लगाई थी ना, पर अब तो लगता है कि तू इस बेडरूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने किया है ये सब, तेरी ये हालत मैंने की है। क्या उखाड़ लेगा पता? हाँ उखाड़, तुझे मालूम मैंने कैसे किया? हाँ ऐसी हालत कर दूंगी ना तेरी कि तू मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत तुझे मिलेगी नहीं। एक औरत पे हाथ उठाकर उस पर चीख कर अपने आप को मर्द समझता है? हाँ अब दिखा अपनी मर्दानगी, उठ
उठना सुरभि। ओ सुरभि। अब माँ जी इनके कपड़े बदल के आ रही हूँ। माँ जी उठिए, खाना खा लीजिए। अरे बेटा यहाँ क्यों लेके आई? मैं आ जाती बाहर खाना खाने। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा बेटा, सुदीप को खाना खिलाया? जी खिला दिया। और हाँ, वो डॉक्टर साहब आए थे? अब वो भी आने वाले हैं। अच्छा, अब खाइए ना। हाँ। कैसा बना है? बहुत अच्छा। अच्छा माँ जी, किचन में थोड़ा काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ। ठीक है, आप कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना। ठीक है बेटा। हेलो, आ जाओ। सब सो गए हैं क्या? हाँ, सबको सुला दिया। ठीक है, मैं आता हूँ। आओ, देखो तुम्हारा मरीज। तुमने क्या हालत बना दी है इसकी? उसको छोड़ो और मेरे पे फोकस करो। छोड़ो, माँ जी आ गई ना तो कोई नहीं आएगा। माँ जी का आज के रात के लिए गेम ओवर करके आई हूँ मैं। ओवर मतलब? आज की रात सिर्फ तुम और मैं गेम खेलेंगे और देखने वाले देखते रहेंगे। किसी पति के लिए उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध होना और वो भी उसकी आंखों के सामने कितना दर्दनाक होता है, ये सुदीप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सुदीप का सुरभि पे अत्याचार करना और लगाम लगाना अब सुदीप को महंगा पड़ गया था। सुरभि ने प्रदीप के साथ मिलकर सुदीप को अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया था और इस बात की सावित्री जी को कोई भनक नहीं थी। आइए देखते हैं कि क्या सुरभि और प्रदीप का पर्दाफाश होगा। हे भगवान, बहुत सर में दर्द है। सुरभि, ओ सुरभि, हे भगवान। क्या हुआ माँ जी? पता नहीं बेटा, सिर में बहुत दर्द है, बहुत भारी भारी लग रहा है। मैं सर दबा दूँ? नहीं बेटा, मैं थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, ओ, रात को डॉक्टर साहब आए थे क्या? हाँ वो आए थे, उन्होंने बताया कि सुदीप की हालत पहले से बहुत बेहतर है। मैं अपने बच्चे की आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ है, बस एक बार उसके मुंह से माँ सुनना चाहती हूँ। नहीं जाने कब सुन पाऊंगी मैं। माँ जी बहुत जल्द सुनेंगी आप। मैंने माता रानी से मन्नत मांगी है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम सब मिलकर उनके दर्शन करने आएंगे।
और मेरी माँ कहती है कि सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत माता रानी जरूर पूरा करती हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। माँ जी मुझे लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप कमरे में जाके आराम कीजिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान। मेरी दवाई से कोई नहीं बच सकता। क्या हाल है मेरे पति परमेश्वर? क्या कहा था तूने? हाँ कि अगर तू उस लड़के को दोबारा मेरे साथ देख लेगा जो मार्केट में था तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ अब वही लड़का रोज तेरी बीवी के साथ रोमांस करता है तेरी आंखों के सामने, क्या कर लिया तूने? हाँ अरे उंगली उठाने की औकात नहीं है तेरी, वो तो शुक्र मना कि इतना कुछ होने के बावजूद मैं तेरा सारा काम करती हूँ, नहाना कपड़े बदलना बाथरूम जाना सब। हाय कितनी अच्छी बीवी हूँ मैं। और तू पूछे तो ना। मैं सुरभि मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि आपको जल्दी ठीक कर दे, फिर हम दोनों साथ में उनके दर्शन करने आएंगे। अब माँ जी आप बेटा मैंने सब सुन लिया, खुश हो? अच्छा तुम जाके खाना बना दो, ठीक है? ठीक है। तू जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, तू परेशान मत होना, ठीक है? सुरभि, सुरभि बेटा। अरे माँ जी आ गई आप? हाँ ये मिश्रा जी ने कुछ मिठाइयाँ भेजी है। अच्छा इसे रख देना। और बेटा मैं अभी बहुत थक गई हूँ, अभी मैं आराम करूँगी। माँ जी पहले खाना तो खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, आज मिश्रा जी के यहाँ पेट भर के खाना खाया है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। माँ जी मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई, थोड़ा सा खा लीजिए। फिर किसी दिन बेटा, अब तो एक दाना भी नहीं जाएगा। हाँ चल मैं जाती हूँ। क्या करूं, इसने खाना नहीं खाया तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, क्या करूं? माँ जी लीजिए दूध पी लीजिए। बेटा अभी एक रख दे, फिर मैं पूजा खत्म करके पी लूंगी, ठीक है? माँ जी इस बार दवाई ना आप दूध के साथ लेकर देखिए। अच्छा। आपका सिर दर्द चुटकी बजाते गायब हो जाएगा। मेरे पापा को जब भी सिर दर्द होता था ना तो माँ गरम दूध के साथ उन्हें दवाई देती थी, उनका सिर दर्द ऐसे गायब हो जाता था। मैं पी लूंगी बेटा, रख दो ना, मैं पूजा खत्म करते ही पी लूंगी। पक्का याद से पी लेना। बिल्कुल याद से ही पी लूंगी। हेलो आ जाओ। आज तुम आ जाओ मेरे घर, यही मिलते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लास्ट टाइम सुदीप ने हमें देख लिया तो क्या क्या करना पड़ गया, इस बार किसी ने गली मोहल्ले में देख लिया ना तो हम दोनों की खैर नहीं। इसलिए सबसे सेफ मेरा घर और मेरा प्लान है, समझे? ठीक है मैं ही आ जाऊँ। आ जाओ बाय। क्या हुआ माँ जी, तबीयत ठीक है ना? बस अजीब सी बेचैनी हो रही है, कल रात मैंने दूध पी लिया और फिर सो गई, कल भी नहीं मिल पाई डॉक्टर से। कोई बात नहीं माँ जी,
मुझे लगता है शायद मेरा बीपी लो हो रहा है, सीने में भी दर्द उठ रहा है। अब माँ जी डॉक्टर प्रदीप को बुला दूँ? बुला दो उनको। हेलो डॉक्टर प्रदीप, आप एक बार मेरे घर आ सकते हैं क्या? माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, एक बार आके देख जाइए ना। ठीक है, ओके। माँ जी मैंने बुलाया है। हाँ माँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक गॉड। तो फिर बेचैनी क्यों हो रही थी डॉक्टर? अरे वो कभी कभी जी मिचलाता है। मैंने कहा था ना सब ठीक है। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे सुरभि बेटा सुनो, तुम दोनों ऐसा करो, तुम डॉक्टर साहब को लेके सुदीप के पास जाओ, उनका चेकअप करा दो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे माँ जी आप क्यों, मैं बनाती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, तुम तो दिन रात मेरे और सुदीप की सेवा में लगी रहती हो, कभी मुझे भी तो मौका दो मेरी बहू रानी की सेवा करने का। तुम दोनों जाओ, मैं अभी चाय लाती हूँ। चल। तुम्हारी बीबी कभी तुम्हें ठीक होने ही नहीं देगी। लो बेटा, तुम दोनों चाय। थैंक यू माँ जी। थैंक यू माँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सुदीप कब तक ठीक हो जाएगा? माँ जी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ इनका, बहुत जल्दी ठीक होगा। सुनो बेटा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सुना तुमने? तुम्हें पता है मैंने इन दोनों की चाल को पहचान लिया है। तुम्हारे हर एक तकलीफ का, हर एक धोखे का मैं इन दोनों से बदला लूंगी बेटा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी, तुम जल्दी से अच्छे हो जाओगे बेटा। क्या खिलाया था? जहर। तुम दोनों के चाय में मैंने जहर मिलाया। तुम दोनों को क्या लगा मेरे बेटे को धोखा दोगे, एक माँ से उसका बेटा छीन लोगे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम दोनों के षड्यंत्र के बारे में मुझे कल रात को ही पता चला। बस तो तुम बहुत खतरनाक लग रही है। ये कैसी आवाज आ रही है अंदर से? प्रदीप अब वक्त आ चुका है कि हम अपने कॉलेज के किए हुए प्रॉमिस को पूरा करें। बुढ़िया के पास बहुत सी ज्वेलरी और कैश है, हम वो सब लेकर भाग चलते हैं। वैसे भी उस बुढ़िया को शक हो गया है तुम पे, वो सुदीप का इलाज किसी दूसरे हॉस्पिटल में करवाना चाहती है, और आज तो तुमसे मिलने की भी बात कर रही थी। वो तो मैंने हर रोज की तरह उसे खाने में नींद की दवा देकर सुला दी।
और इससे तो मैंने अपना बदला ले ही लिया है। दवाई खिलाकर इसकी ये हालत कर दी। अब ये अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता। मैं एक दो दिन में तुम्हें बताती हूँ, हम इस पूरे घर का सफाया करके कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होनी दूंगी। मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती वो। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। और इस फर्जी डॉक्टर को बुलाने की चाल भी मेरी ही थी। तुम दोनों ऐसे ही तड़प तड़प के मरो। मैंने अपने बेटे का बदला ले लिया। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया उनसे। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की तो एक लोहार की। अब इस कहानी में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुनार कौन था और लोहार कौन। सुरभि अपनी सास को नींद की दवा देकर रोज सुलाती थी, लेकिन सावित्री जी ने एक ही बार में जहर देकर प्रदीप और सुरभि दोनों को हमेशा के लिए सुला दिया। सावित्री जी ने जो किया वो एक अपराध है, लेकिन सुदीप और सुरभि भी अपनी अपनी जगह गलत हैं। फिलहाल सुदीप एक जीती जागती लाश बन चुका है। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।